तो देखो यार, ट्रेन में क्लीन करने वाले भी रहते हैं जो ट्रेन को साफ रखते हैं एकदम। देखो हमारे मोदी जी ने क्या कर दिया कि साफ करने वाले लोगों को यहाँ पर भेजा है ताकि अच्छे से अच्छे क्लीन कर सके। देखो पूरा नीट एंड क्लीन रहता है ये ट्रेन। यारों जी भर के जील पल लगता है आजकल दौर अपना आएगा। यारों जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझ गल बुलाएगा। है जुनू सा जीने में। तो गाइस, जैसे कि हम इटारसी में थे और इटारसी में क्या हुआ कि हमारी ट्रेन बहुत लेट आई और लेट होने के कारण हम भी बहुत लेट बैठे। अब लेट आई तो लेट ही बैठेंगे ना यार ट्रेन में। तो हमारी ट्रेन लेट आने के बाद क्या हुआ कि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, उसके कारण मैं बहुत ही दिक्कतों के साथ वीडियोग्राफी नहीं कर पाया और जो कुछ भी करना था मैं कुछ भी आपको नहीं बता पाया। सो प्लीज़ आई एम सॉरी एंड फॉरगिव मी, है ना। तो मैं अभी वीडियोग्राफी कर रहा हूँ या वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने बोला था या कहा था कि मैं एक पूरा रिव्यू दूंगा, यानी कि ट्रेन के बारे में या कौन सी ट्रेन से मैं जा रहा हूँ, है ना। तो इस ट्रेन का नाम है तमिलनाडु एक्सप्रेस और ये 12/6/22 है ना, 12/6/22 है ना। इस ट्रेन का नंबर है और यह तमिलनाडु एक्सप्रेस है ना। तो यहाँ पर हम एक महीने से पहले ही टिकट बुकिंग करवा चुके थे, इसलिए हमारी स्लीपर में है और हम जनरल में नहीं करवाए लेकिन स्लीपर में करवाए, है ना। तो आप देख सकते हो, मैं इस ट्रेन के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये ट्रेन एकदम सुपर फास्ट में जाती है और ऐसे छोटे रेलवे स्टेशन में या छोटे स्टेशन में नहीं रुकती बल्कि बड़े स्टेशन में रुकती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैंने ज़िंदगी में ऐसी ट्रेन में नहीं बैठा होगा या मेरे खानदान में कोई बैठा नहीं होगा, लेकिन ऐसी ट्रेन है। यहाँ पर यह फर्स्ट स्लीपर रहता है, इधर दिखाओ, यहाँ पर यह फर्स्ट सीट रहता है, यहाँ पर एक व्यक्ति बैठता है, फिर दूसरा यहाँ पर सोने के लिए और तीसरा ऊपर, अपसाइड दिखाओ, ये तीसरा यहाँ पर ऊपर सोता है। तो एक या दो तीन, यानी कि तीन व्यक्ति यहाँ पर अच्छे से अच्छे बैठ सकते हैं। यहाँ पर पूरी सुविधा रहती है खाने पीने से लेकर, लेकिन पैसा अपने को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। जैसे कि आपको भैया को दिखा दो, जैसे कि यहाँ पर भैया बैठे हैं, ये देखो खाना लेकर बैठे हैं ना कुछ बेचने, यानी कि यहाँ पर पूरी सुविधा आती है इस ट्रेन में, है ना। ओके इधर दिखाओ, इस ट्रेन में यानी कि पूरी सुविधा आती है, जनरल नहीं है लेकिन स्लीपर है, ये सुपर फास्ट एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है ना। तो ये ट्रेन एकदम स्टेशन या बड़े स्टेशन पर रुकती है, छोटे स्टेशन पर नहीं रुकती। जैसे कि मैंने बताया कि ये फर्स्ट स्लीपर है या सेकंड और थर्ड, यानी कि तीन लोग यहाँ पर सो सकते हैं और तीन लोग इधर सो सकते हैं और दो लोग उधर सो सकते हैं, यानी कि एक बोगी में मिनिमम 6-7-8 लोग सो सकते हैं पूरे, है ना। तो 8 लोग सो सकते हैं एकदम, और एकदम लाइट वगैरह फैन वगैरह ऑल थिंग्स इज आवर हियर, यानी कि सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल रहता है। जैसे कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसी प्रकार आपको सुविधा भी मिलती है। जनरल और स्लीपर में बहुत अंतर रहता है, तो जनरल कुछ ही घंटों में या कुछ ही समय में हम काट लेते हैं, लेकिन ये स्लीपर के लिए हमको कम से कम 1-2 महीने के लिए पहले से ही बुकिंग करवाना पड़ता है। तो हमने भी वैसा ही किया और मैं कम से कम इटारसी से चेन्नई जा रहा हूँ, तो इसका सफ़र मैंने बताया है, बहुत सारा सिनेमैटिक भी उतारा है, मैं व्लॉगिंग में जोड़ूंगा, आप देखते रहिए इस व्लॉग को और भी मैं बेहतर बनाता रहूंगा। बाकी सो थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। देखो यहाँ की ट्रेन कितनी साफ रहती है, एकदम क्लीन पूरी, ये यानी कि कोई भी कचरा नहीं रहता है उसमें अंदर, है ना। फिर ये हाथ धोने का, मुंह धोने का साफ वगैरह, फिर मिरर भी रहता है यहाँ पर और यहाँ पर डस्टबिन वगैरह रहता है, यहाँ पर आप फेंक सकते हैं। फिर यहाँ पर हम टॉयलेट में जाते हैं कि कैसा क्या रहता है, है ना। देखो अंदर भी यानी कि बहुत ही स्वच्छ रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है। यहाँ से आप मिरर रहता है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, है ना, ये टॉयलेट के अंदर है ना। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा सरकार ने दिया है। फिर ये नल है जिससे पानी आप डाल सकते हैं, ऐसा धो सकते हैं ना, बहुत ही अच्छा, मतलब गवर्नमेंट भी हमारा मदद और सहायता करती है। उसके बाद ये मग रखा है, फिर ये टैप चालू कर सकते हैं, यहाँ पर पानी नहीं होगा शायद,
क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। फिर यहाँ से ये बटन आपको दिख रहा है ना, तो यहाँ से ये पानी आता है, लेकिन पानी शायद ख़त्म हो चुका है, यहाँ आ रहा है देखो ये पानी। तो ये बटन दबाओगे तो यहाँ से पानी आएगा। फिर ये ऐसा कुछ रहता है टॉयलेट में भी, लेकिन बहुत ही भयंकर है, मतलब अच्छा बनाया है गवर्नमेंट, हमारा मदद और सहायता करती है। यहाँ पर ये नोटिस है, जब तभी पे लिखा इंग्लिश में लिखा हिंदी में लिखा, तो आप पढ़ सकते हो। अगर आप कभी भी आओ तो इन बातों का ध्यान रखना थोड़ा, है ना। तो बहुत अच्छा रहता है यहाँ पर, यहाँ पर डस्टबिन रहता है ये, ओके। तो यहाँ पर आप फेंक सकते हैं, यानी कि कचरा नहीं कर सकते कुछ। बाकी सोते हैं, मिलते हैं आउटसाइड। A few moments later. तो जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया था कि मैं चेन्नई के बारे में बताऊंगा, तो चेन्नई बिफोर यानी कि ये इस्टेब्लिश हुआ था 1639 में, है ना। 1639 में ये इस्टेब्लिश हुआ, और इस्टेब्लिश होने के बाद इसका नाम चेंज किया गया, और पहले इसका नाम मद्रास था, मद्रास के बाद इसको चेन्नई नाम दिया गया 1996 में, है ना। तो चेन्नई इज़ लार्जेस्ट सिटी ऑफ द अवर इंडिया, यानी कि चेन्नई हमारा पूरा इंडिया का लार्जेस्ट सिटी माना जाता है। और जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है, यानी कि जो आयात और निर्यात होता है विदेशों से, वो सिर्फ चेन्नई से होता है। फिर चेन्नई में ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, और चेन्नई से बहुत सारे टेक्निकल दुनिया आई है अपने इंडिया में। और चेन्नई एक ऐसा शहर है जहां पर हर कोई जाना चाहता है, या हर कोई अपने सपनों को मतलब पूरा करने के लिए वहां पर जाना चाहता है। लेकिन चेन्नई बहुत ही बड़ा सिटी है, और चेन्नई का रेलवे स्टेशन भी अपने वर्ल्ड का या भारत का मतलब बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन माना जाता है। तो मैं रेलवे स्टेशन भी आपको दिखाऊंगा, पूरा बताऊंगा। लेकिन चेन्नई की लैंग्वेज कौन सी है, तो लैंग्वेज की बात आती है तो चेन्नई में तमिल चलती है, और बेसिकली इंग्लिश भी जानते हैं। और चेन्नई यानी कि स्टेट है, तो उसका पिन कोड क्या है, तो उसका पिन कोड है 600XXX, इसका पिन कोड है। और उसका व्हीकल नंबर क्या है, व्हीकल नंबर 91+44 उसका व्हीकल नंबर है। तो ये तमिलनाडु का यानी कि एक स्टेट है, और ये चेन्नई एक तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु का ये एक मेन सेंट्रल माना जाता है, और इंडिया का भी मेन सेंट्रल माना जाता है। तो मैं इतनी इन्फॉर्मेशन आपको चेन्नई के बारे में दिया हूँ, तो मिलते हैं उस लोकेशन पे या वहाँ चेन्नई के रेलवे स्टेशन पे। तो बने रहिए मेरे व्लॉग में, बाकी सो थैंक्स, मिलते हैं रेलवे स्टेशन पे। तो फाइनली गाइस अभी हम चेन्नई पहुंच चुके हैं, अभी जस्ट गेट डाउन हुए हैं, और हमारे साथ कुछ फ्रेंड भी आए हैं, और हम जा रहे हैं हमारी कॉलेज की ओर। यहां पर बहुत ही क्राउड है, क्योंकि ये बड़ा स्टेशन है, है ना। मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही बड़ा स्टेशन है, तो यहां पर क्राउड है, और विदाउट मास्क से हम यहां पर घूम नहीं सकते, इसलिए मैं मास्क लगाया हूं। और यहां पर हमारी चेक भी होगी, और बहुत सारी ऐसी प्रोसेस हमको करना पड़ेगा यहां पर, और बहुत कुछ ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा रेलवे स्टेशन में है, और यहाँ पर पूरा सिस्टमेटिक और इकोनॉमिक में हमको रहना पड़ता है। बाकी सो थैंक्स, मिलते हम आगे के लोकेशन में, मैं पूरा रिव्यू करूँगा आपको, ओके। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, बने रहिए हमारे साथ। तो जैसे कि मैंने बताया था कि चेन्नई एक लार्जेस्ट सेंट्रल है, यहाँ रेलवे स्टेशन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना बड़ा रेलवे स्टेशन है। ये इंडिया का नंबर वन रेलवे स्टेशन माना जाता है, और बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन माना जाता है। पीछे बहुत क्राउड है, और बहुत ही भीड़ भी रहती है यहाँ पर, और बहुत सारी ट्रेन भी चलती है, यहाँ पर चलती रहती है, और बहुत सारी पटड़ियाँ हमें गिनानी, और इसका कितना सेंटीमीटर है, कितना लंबाई में, हमें कुछ नहीं जाना और कुछ भी स्टडी नहीं किया, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। लेकिन आने वाले दिनों में अगर मैं इसके बारे में बताऊँगा, तो मैं अच्छे से स्टडी करके आपको बताऊँगा, है ना। लेकिन ये बहुत बड़ा लार्जेस्ट, एकदम फंटास्टिक दिख रहा है एकदम, है ना, मतलब बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन मैंने बताया है आपको। तो भारत का रेलवे स्टेशन बड़ा माना जाता है, और मेरे पास गिम्बल नहीं है, और माइक भी नहीं है, तो मैं मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूँ, और मोबाइल को हाथ में पकड़ता हूँ, तो मुझे नहीं पता कि लोगों का रिएक्शन क्या होगा, लेकिन मैं वीडियो बनाता जा रहा हूँ। बाकी हमारे सामने कुछ पुलिस वगैरह खड़े हैं, तो वो हमसे कुछ पूछेंगे, तो इसलिए मैं वीडियो वगैरह ऑफ करता हूँ, और वो टिकट वगैरह मेरे को पूछेंगे, तो मैं उनको टिकट बताऊँगा। बाकी मैं दिखाता हूँ आपको, यह चेन्नई का इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है, आप देख सकते हैं, ये इतना बड़ा रेलवे स्टेशन। बाकी सो थैंक।
ओके, तो हम जा रहे हैं हमारी कॉलेज की ओर और मेरे साथ दो हैं और सिर्फ तीन लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं और इंक्लूडिंग एक ड्राइवर रहता है, सिर्फ चार लोग बैठ सकते हैं क्योंकि ये इधर का नियम है और ऐसा रूल्स और रेगुलेशन है, मतलब अच्छा है। हालांकि अपनी सेफ्टी के लिए बहुत ही अच्छा कर रहे हैं ये सरकार, तो आई गिव थैंक टू तमिलनाडु सरकार अल्सो, क्योंकि ये भी बहुत ही अच्छा कर रही है कि तीन लोग बैठ सकते हैं हम सिर्फ यहाँ पर, क्योंकि ये गवर्नमेंट के हिसाब से ऐसा माना जाता है। तो ये देखो कितना बड़ा चेन्नई का रेलवे स्टेशन आप देख सकते हो ये, और यहीं से हम निकल के आए और पुलिस ने बोला कि सिर्फ तीन लोग बैठ सकते, तो तीन ही लोग हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। काफी घूम घूम के जाना पड़ता है यार चेन्नई भी, देखो बहुत दिनों के बाद मुझे मेरी पुरानी यादें आ रही है कि पिछले दिनों में मैं यहाँ पर था और स्टडी करके गया, और अभी मुझे याद आ रहा है कि हम यहाँ पर पढ़ाई करते थे, हम यहाँ पर घूमते थे एकदम मस्त। पर यहाँ पर एकदम रूल और सिस्टमेटिक रहता है चेन्नई में, चेन्नई मतलब हर एक रूल और रेगुलेशन के अंडर रहता है कि जो काम नहीं करने को मतलब नहीं करना, मतलब मास्क लगाना है तो अनिवार्य है कि लगाना है, ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं रहता यहाँ पर, मतलब मास्क लगाना है जो कुछ भी लगाना है तो अनिवार्य है, कोई एक्सक्यूज नहीं रहता यहाँ पर, अदरवाइज आपको फाइन लगता है यहाँ पर। तो कभी भी आप तमिलनाडु में या चेन्नई में आते हो तो याद रखिएगा आपको पूरा लॉ के अंडर में रहना पड़ेगा या रूल्स और रेगुलेशन के अंडर में रहना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल बी इन द ट्रबल, है ना। तो अगर आप ट्रबल में नहीं रहना चाहते हो तो रूल्स और रेगुलेशन जो रहते हैं वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हमने फॉलो किया है तो आपको भी करना पड़ेगा, जैसे कि हमने फॉलो किया और यहाँ पर गवर्नमेंट के तौर से सभी करते हैं जो भी आते हैं, बाहर से आते हैं, विदेश से आते हैं या कहीं से भी आते हैं, वो इस रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। फॉलो करने के बाद क्या होता है कि हमको फ़ाइन नहीं लगता, यदि आपको फ़ाइन देना है तो फॉलो मत करो, और यदि फ़ाइन से बचना है तो फॉलो करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है। हमने भी फॉलो किया तो आप भी करो, है ना। आप कभी भी तमिलनाडु में आओ या चेन्नई में आओ तो याद रखेगा आपको रूल और रेगुलेशन के अंडर में रहना पड़ेगा, और जो कुछ भी सिस्टम यहाँ पर रखा गया है या जो कुछ भी रूल्स और रेगुलेशन दिया गया है उसके अंडर में आपको रहना पड़ेगा। तो अभी हम रास्ते में है, अभी मैं कॉलेज जाता हूँ और कॉलेज में जाने के बाद मैं इस व्लॉग को एंड करूँगा। बाकी बहुत ही मज़ा आया मेरे ट्रैवल में, मैंने कैसे क्या व्लॉग किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ, जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है उससे आप यदि संतुष्टि नहीं हो तो मैं उससे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आने वाले दिन में मैं इससे भी बेहतर व्लॉग अपलोड करूँगा। तो बने रहिए मेरे व्लॉग में और जुड़े रहिए मेरे साथ, तो मिलते हैं मेरी कॉलेज में, चलो। तो फाइनली गाइस मैं व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूं, क्योंकि मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो गया उसके कारण मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं, मैं उसके लिए आपको माफ़ी चाहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू।